जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत से किसान भाई किसान न्याय योजना की यानी कि धान बोनस की पहली किस्त को लेकर के परेशान है कि अभी तक उनके खाते में इस योजना की पहली किस्त नहीं आ पाई है। क्या कारण है, किस कारण नहीं आ पाया और कब आएगी, इसको लेकर के बहुत से किसान भाई परेशान है। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ इस योजना की धान बोनस की जो आगामी दूसरी किस्त है वो कब आएगी किसानों के खातों में, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बेहतर जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी खबरें आप सबको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए देर न करते हुए बात करते हैं कि इस योजना की पहली किस्त किसानों के खातों में क्यों नहीं आई है। तो आप सबको बता दें दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसान इसको लेकर के परेशान है। बहुत से किसान हैं कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनके खाते में पहला किस्त क्यों नहीं आया, कब आएगा, ये सवाल उठा रहे हैं। तो आप सबको बता दें कि इसके लिए आपको अपने जो बैंक डिटेल्स वगैरह है उसको चेक करना है कि आपके बैंक डिटेल्स जैसे कि खाता नंबर है, IFSC कोड है, भूमि को लेकर के जो डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। इसके लिए आप अपने सहकारी समितियों के जहां पर आप धान का विक्रय करते हैं वहां जा कर के आप अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं कि हमारा ये किसान न्याय योजना की पहली किस्त है वो अभी तक नहीं आ पाई है, क्या कारण है, कैसा है, कब तक आएगा, ये पूरी जानकारी आप पूछ सकते हैं वहां जा करके। और सरकार भी इसको लेकर के कोई अपडेट जारी नहीं कर रहा है कि क्यों इन किसानों का पैसा अभी तक नहीं आ पाया है। साथ ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया, वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण से आपका पैसा अभी तक नहीं आ पाया है, वो चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा आशा है कि जिन किसानों का पहला किस्त अभी तक नहीं आ पाया है उनका जो पहला किस्त है आने वाली अगली किस्त यानी कि दूसरी किस्त के साथ, यानी कि दो दो किस्त उनका एक साथ आएगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि पीएम किसान योजना की बात करें तो उसमें ऐसा होता है, पहली किस्त नहीं आ पाती, अगली किस्त के साथ दोनों किस्त है वो एक साथ आती है। ऐसा अपन अनुमान लगाते हैं कि पहली किस्त अभी नहीं आई है तो सभी चीज़ें आपका सही है, अगर तो वो पहला किस्त दूसरी किस्त के साथ आपका दो दो किस्त एक साथ है वो आएगा। चलिए आगे बात करते हैं धान बोनस की दूसरी किस्त को लेकर के। तो आप सबको बता दें कि बहुत से किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी किस्त उनके खाते में राज्य सरकार कब जारी करेगी। तो आपको बता दें कि इस योजना की जो दूसरी किस्त है वो 20 अगस्त को यानी कि राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार DBT के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों के खातों में धान बोनस की दूसरी किस्त जारी करेगी। जी हाँ, किसानों को लंबा इंतजार है क्योंकि खेती बाड़ी का जो समय है वो सर पर है और इस समय पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो 20 अगस्त को किसानों के खाते में धान बोनस की दूसरी किस्त है वो राज्य सरकार जारी करेगी। 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से धान बोनस की राशि किसानों को दी जाती है, जैसे कि आप सबको पता है। साथ ही साथ धान के अलावा कोदो, कुटकी, रागी और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इस योजना की राशि दी जाती है। तो जी हाँ, 20 अगस्त को आप सबके खाते में इस योजना की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपने अन्य मित्रों तक खबरें हो जरूर शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी किसानों से जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।